मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम लोग अ आ छोटी ई और बड़ी ई से बने एक एक शब्द पढ़े हैं। अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली और बड़ी ई से ई आप लोग लिखना और सीखे हैं और लर्न भी किए हैं। तो आज हम लोग छोटा उ और बड़ा उ से बने एक एक शब्द कैसे लिखेंगे और क्या होता है छोटा उ से और बड़ा उ से हम लोग आज जानेंगे। देखिए छोटा उसे क्या है, यहाँ उपहार। उपहार को इंग्लिश में हम लोग गिफ्ट बोलते हैं। हम लोग के बर्थडे में आप लोग किसी को इनवाइट करते हैं, या फिर आपकी बहन हो या भाई हो या फिर कोई भी हो, तो देता है ना आप लोग को गिफ्ट बर्थडे में, तो इसी गिफ्ट को हम लोग हिंदी में उपहार बोलते हैं। तो जब आप लोग को गिफ्ट कोई देता है तो उसके बदले में आप लोग क्या बोलते हैं उसको, थैंक यू, धन्यवाद। कोई आपको कुछ दिया था, आप भी तो उसके बदले में कुछ उसको दीजिएगा खुश करने के लिए, तो बोलते हैं ना आप लोग थैंक यू। तो चलिए हम उपहार देखिए, हम लोग उपहार कैसे लिखते हैं। छोटा हूँ उपहार क्या चीज से होता है, छोटा उसे होता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे छोटा हूँ प बाहर। अब हम लोग बड़ा उसे क्या होगा, बड़ा उसे यहाँ देख रहे हैं ऊन। ऊन से क्या होता है, ऊन से स्वेटर बनाता है, जो आप लोग ठंड के मौसम में स्वेटर पहनते हैं। तो किससे बुनाता है, ऊन से बुनाता है। और कौन बुनता है, आप लोग को देखते होंगे घर में दादी नानी जो होती होंगी या फिर मम्मी, वो यहाँ जो लगा हुआ है कांटा, इससे ये ऊन है और ये कांटा है, इसी से बुनाता है स्वेटर। ये ऊन है, इसी से कांटा से मम्मी लोग को देखते होंगे कांटा से उनको बुनती है, स्वेटर तैयार करती है। तो हम लोग उसको किस मौसम में पहनते हैं, ठंड के मौसम में पहनते हैं, ठंड से बचने के लिए। तो देखिए बड़ा उसे ऊन हम कैसे राइट करते हैं, बड़ा उ और न, क्या हो गया ऊन, बड़ा उ और न ऊन। आप लोग को कॉपी में भी ये जाएगा वर्क, आप लोग बड़ा उ और न ऐसे बोल बोल कर राइट कीजिएगा और लर्न कीजिएगा उपहार। चलिए एक बार और हम रिपीट करते हैं, छोटा उ प ह में आ की मात्रा और र, क्या हो गया उपहार, बड़ा उसे ऊन, बड़ा उ और न ऊन। तो आप लोग को कॉपी में भी ऐसे ही वर्क जाएगा, आप लोग बोल बोल कर राइट कीजिएगा और लर्न कीजिएगा। उपहार जो है आप लोग के स्कूल में क्रिसमस होती है, तो क्रिसमस के दिन आप लोग को गिफ्ट में मिलता है ना टॉफी, तो टॉफी मिलता है या फिर बिस्किट मिलता है, केक है। तो जो उपहार होता है वो छोटा हो या बड़ा, या गिफ्ट महंगा हो या सस्ता, कुछ भी हो, लेकिन जो भी कोई गिफ्ट आपको दे रहा है तो उसको आप लोग को संभाल के रखना चाहिए, उसका हम लोग को महत्व देना चाहिए, क्योंकि गिफ्ट का बहुत महत्व होता है। यदि कोई छोटा गिफ्ट दे या बड़ा, कीमती दे या सस्ता, लेकिन गिफ्ट गिफ्ट होता है, उसको हम लोग को संभाल के रखना चाहिए और खुश होकर लेना चाहिए, खुशी से लेना चाहिए। कोई किसी की मन की भावना को आप लोग को समझना चाहिए कि वो गिफ्ट दे रहा है तो उसको हम लोग ले, ऐसा नहीं कि गिफ्ट ना पसंद हो तो ना ले, गिफ्ट कैसा भी हो पर हम लोग को उसको लेना चाहिए।